मेरा नाम अमर कुमार। आप किस पंचायत के मुखिया हैं? हम बाबूटोला कुमलाकुम मुखिया प्रतिनिधि अमर कुमार। अच्छा, ये बताइए कि 2019 का चुनाव को आप किस नज़र से देख रहे हैं? 2019 का चुनाव ये मोदी बनाम विरोधी। तो क्या लगता है आपके जो गुलो मंडल हैं वो यहाँ के अजय मंडल जो प्रत्याशी हैं उन पे भारी पड़ रहे हैं? बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। तो अजय मंडल जीत नहीं पाएंगे? ऐसा क्यों? इसलिए कि सबसे पहले तो ये भाजपा का सीट था। अच्छा, भाजपा के शहनवाज हुसैन को टिकट नहीं मिला जिसके कारण सारे भाजपा लोग दुखी। और हमको तो लगता है भाजपा वाला जो नए लोग का शहनवाज का वही जदयू प्रत्याशी भरने का काम करेंगे। भीतर घात होगा। और इधर सारा जो है विपक्ष राजद कांग्रेस रालोसपा ये सभी एक हैं और बहुत ज़्यादा मत से जीतेंगे की बार राजद महागठबंधन बहुत ज़्यादा मत से की बार जीतेंगे। आईटी राज व्यवस्था में ग्रामीण विकास से आप कितना संतुष्ट हैं? हम 80% खुश हैं। क्या क्या काम हुआ है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में नल जल का काम हुआ, गली नाली का काम हुआ, अच्छा काम हुआ। सात निश्चय में कितना फंड आया था? सात निश्चय में हमको लगभग 1 लाख। उसमें काम कितने का हुआ? काम हम लोग 70-80 लाख का कर चुके हैं। जानकारी ये भी मिली है कि कमीशन बहुत जोर शोर से लिया जा रहा है। हम लोग तो नहीं जानते, हमें लगता है आंगनवाड़ी केंद्र या मिडिल स्कूल के शिक्षा व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण भोजन, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात सरकार करती है, उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है? उसमें तो कमी है, आंगनवाड़ी में भी गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं मिलता है, स्कूल में मिलता है। आप निरीक्षण में जाते हैं? निरीक्षण में जाते हैं लेकिन नहीं देखते हैं। तो आपने कभी हिदायत दिया नहीं? हिदायत दिया है, कुछ सुधार होता है, 100% सुधार नहीं होता। CDPO के द्वारा सुनने में आया है कि CDPO के द्वारा बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्र पे कुछ न कुछ राशि बंधी हुई है, आप सहमत हैं? हम लोग भी सुने हैं, इसके सुने हैं। सहमत हैं इस बात से, हाँ या ना? कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है सुनने में आया सर, हाँ या ना? निश्चित रहता है, निश्चित। आपने देखा कि अभी जस्ट सांसद प्रतिनिधि से हमारी बात हो रही है और उसमें एक बात नई सामने निकल के आई कि वोट, चूंकि यहाँ प्रत्याशी उस हिसाब का NDA ने नहीं उतारा, तो गुलो मंडल द बेस्ट हैं। जो भी प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं उसमें तो अच्छे लोगों का सिलेक्शन करना हमारा कर्तव्य होता है, ये ऐसा सांसद प्रतिनिधि बता रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि सरकार NDA की ही होनी चाहिए। हमारी इस्माइलपुर प्रखंड से नारायणपुर लक्ष्मीपुर पंचायत के मुखिया जी हैं। अच्छा, मुखिया जी हैं आप। ये बताइए कि 2019 में क्या होगा चुनाव? चुनाव में क्या होगा? बुलो मंडल का जीत होगा। बुलो मंडल जीतेंगे, क्यों जीतेंगे? अच्छा काम किए, काम अच्छा किए। और केंद्र में सरकार किसकी होगी ये तो अभी हम नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि 3 साल का काम आपका खत्म हो गया जी। 3 साल में ग्राम पंचायत राज व्यवस्था में आपने कितना विकास का काम किया? आपने विकास के कामों से कितना संतुष्ट? देखिए जितना आया लगभग हम करने की कोशिश की, जनता तक पहुंचाने की बहुत प्रयास किया है। प्रयास किए हैं, उसमें कुछ बाधा भी आई? नहीं, बाधा तो नहीं, बाधा नहीं है। तो क्या आपके पास 10 नंबर हैं, उसने 10 नंबर में कितना नंबर आप खुद को देना चाहेंगे? कितना? लगभग तो 7-8। 7 नंबर चाहती हैं आप? थैंक यू।